हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है इसमें आपका मैथमेटिक्स चल रहा था, क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6th लेसन आपका चल रहा था। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, 13 क्वेश्चन तक मैंने आपको कराया था। इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ, 14 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स देख लीजिएगा कैसे होगा। सो 14 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 40। तो स्टूडेंट देखिए जरा किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। एक कर्व आपको गिवन है, दिस कर्व इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ये आपका क्या है स्टूडेंट, एक कर्व दे रखा है। बोला गया है कि इसकी इक्वेशन बतानी है इस कर्व पे टेंजेंट और नॉर्मल की। अब स्टूडेंट टेंजेंट और नॉर्मल की अगर इस पे कंडीशन बताएंगे तो आपको पता है कि वो तो हर जगह डिफरेंट टेंजेंट बनेंगे, क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि कर्व हमारा कुछ ऐसा, ये कर्व हमारा मान लिया, तो अब ये कर्व जो हमारा है इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंजेंट भी डिफरेंट होंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि टेंजेंट क्या होता है कर्व का, कि किसी भी पॉइंट पर खींचे गए ये लाइन, जैसे ना आप किसी पॉइंट से होकर जाने वाली एक सिंगल लाइन सिर्फ उसी पॉइंट से, जैसे यहाँ से बात करो तो वो लाइन कुछ ऐसी होगी, इस पॉइंट के लिए कुछ और होगी, इसी और पॉइंट के लिए कुछ और होगी, तो टेंजेंट डिफरेंट होते हैं। समझ रहे हैं स्टूडेंट साहब? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल पॉइंट से टच करके जानी चाहिए। तो लेकिन अब क्या होगा कि हम ऐसे कर्व की डेफिनेट स्लोप नहीं बता सकते। टेंजेंट की क्वेश्चन अगर बतानी है तो बोला गया बताना कहाँ पे, एट 0.5 पर। ये क्वेश्चन में नहीं चाहिए एट 0.5। स्टूडेंट देखिए इस टेंजेंट की अगर इक्वेशन बतानी है, इसके कोऑर्डिनेट देखें कि 0.5 पॉइंट पर बता रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट टेंजेंट बनेगा। अभी देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें मैंने आपको बता रखा था कि स्लोप ऑफ द कर्व अगर मैं निकाल, स्लोप ऑफ द कर्व अगर स्लोप ऑफ द कर्व में निकालता हूँ स्टूडेंट, तो ये कितना होगा डीवाई बाय डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू डीवाई बाय डी एक्स स्लोप ऑफ द कर्व। अगर मैं निकालता हूँ डी बाई डी एक्स, स्टूडेंट वाई की वैल्यू देखिए क्या लिखी हुई है, एक्स रेस टू दी पावर 4 माइनस 6x रेस टू दी पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। इसका डी बाई डी एक्स निकालना है तो आप देखेंगे कितना आएगा, सॉरी 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। समझ रहे हैं स्टूडेंट, 5 कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि ये हमारा क्या निकला, तो आप बोलेंगे ये हमारा डीवाई बाई डी एक्स निकला, विच इज इक्वल टू दी स्लोप ऑफ दिस कर्व। इस कर्व का स्लोप ध्यान दीजिए, कर्व का स्लोप है और आया क्या है x, 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 x पर डिपेंड नहीं है। इसका मतलब हमारा ये जो स्लोप निकला ये कांस्टेंट नहीं है, क्या है x पर डिपेंडेंट, डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए। अगर ये x एक्सिस है तो डिफरेंट x की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू भी अलग अलग होगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि कर्व में मैंने आपको बताया डिफरेंट, जैसे इस पॉइंट पर देखिए तो टेंजेंट कुछ ये होगा, इसका एंगल कुछ और होगा, तो अलग x के लिए अलग आंसर, इस x के लिए अलग आंसर, ये तो बता रही है आपको मैथमेटिकली। सो स्टूडेंट अगर मैं बोलूं कि मुझे बात करनी है एट पॉइंट 0.5 पर, तो 0.5 पर मैं x के प्रिस्पी का रखूंगा 0 और y पर डिपेंडेंट नहीं है तो कुछ नहीं रखूंगा। सो स्टूडेंट मैं देखूंगा कि x के प्रिस्पी कितना रखूंगा 0, ये आप देख लीजिए टोटल टर्म, ये 0 ये 0 ये 0 है, तो नेट जो बचेगा वो बचेगा माइनस 10। सो हमारा माइनस 10 इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स एट 0.5। सो स्टूडेंट आप समझिए 0.5 पर हमारा डी वाई बाय डी एक्स निकल गया ना माइनस 10। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का स्लोप आपके पास कितना आ गया माइनस का 10। ये स्टूडेंट हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये पता चली कि इस लाइन का स्लोप आ गया माइनस। हमें बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि इसी लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसी लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। किसी लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और अभी वो लाइन हमारी कौन है, टेंजेंट है, तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले दिखाया आपको ये होता है, जहां पर आप जानते हैं कि y1 x1 क्या है, गिवन पॉइंट्स, y1 x1 आर गिवन पॉइंट्स, ये आप जानते हैं गिवन पॉइंट्स होते हैं। और इसी तरीके से m आपका क्या है स्टूडेंट, स्लोप, m कौन है स्लोप। अब देखिए स्लोप तो हमने पता कर लिया इसका, इसीलिए मैं काम कर रहा था, इसीलिए मैंने स्लोप पता किया ताकि मुझे स्लोप पता चल जाए और पॉइंट्स गिवन है। तो स्टूडेंट जस्ट पुट करना है, मैं इसको यहाँ पुट कर लेता हूँ, शाइन करेगा y माइनस y1 अगर रखूंगा तो कितना आएगा 5। m देखिए m कितना है यहाँ पर माइनस 10, x माइनस x1 यहाँ पर कितना है 0। स्टूडेंट जस्ट इसे सॉल्व करना है, y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 10x। स्टूडेंट आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ax प्लस by की फॉर्म में लिखेंगे, 10x को इधर जाएगी, सो 10x y यहाँ प्लस का है
माइनस वाई बचेगा, चाहे तो आप इसे ऐसा बोल सकते हैं। दिस पॉइंट जो इक्वेशन है आपकी क्या आई, ये इक्वेशन आपकी आई इक्वेशन फॉर टेंजेंट, इस टेंजेंट के लिए इक्वेशन। तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज कराता हूँ। एक कर्व हमें गिवन था, बोला गया था कि इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालना। हमने देखा कर्व का जो टेंजेंट आया, स्लोप ऑफ दिस कर्व वो ये आया, इसका मतलब हर पॉइंट पर स्लोप जो है बदलता रहता है। तो स्टूडेंट अगर मैं इस डेफिनेट पॉइंट पर चेक करूंगा जहां हमें दिया गया है, तो हमें स्लोप का, अगर किसी कर्व का स्लोप निकालना है, किसी कर्व का स्लोप नहीं निकाला जाता, क्या होता है किसी कर्व पर एग्जिस्ट करने वाले पॉइंट से होकर एक टेंजेंट खींचा जाता है और वो टेंजेंट का स्लोप निकाला जाता है। तो स्टूडेंट इस टेंजेंट का स्लोप मैंने निकाला इस फॉर्म से dy / dx एट इससे, तो हमारा ये जो आया माइनस 10 ये इसका स्लोप आया। तो स्टूडेंट आप समझ गए स्लोप आ गया और स्लोप को यहाँ पुट कर दिया, x1 y1 गिवन थे तो इक्वेशन निकल गई। लाइन की इक्वेशन हमेशा निकलती है, आप देखते रहते हैं। स्टूडेंट ये आप समझ गए, इसी में हमें बोला था ये हमने निकाली टेंजेंट की इक्वेशन। अभी हमें बोला गया इसमें नॉर्मल की इक्वेशन भी क्या करनी है, पॉइंट करनी है। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलता हूँ, इक्वेशन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल के लिए अगर मैं इक्वेशन निकाल रहा हूँ, स्टूडेंट कोई बोले कि नॉर्मल क्या, तो ध्यान रखिए नॉर्मल कुछ नहीं होता, टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो नॉर्मल होती है। अब आप देखेंगे ये नॉर्मल भी तो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल की इक्वेशन भी सेम वैसी होगी जैसे टेंजेंट की है, अलग अलग नहीं होता कुछ। ध्यान रखिए ये एक लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, अब क्योंकि टेंजेंट भी एक लाइन है और नॉर्मल भी एक लाइन है तो फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन चेंजेस क्या हो रहे हैं देखिए जरा, पॉइंट तो इसके सिमिलर है क्योंकि टेंजेंट भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है नॉर्मल, लेकिन स्लोप चेंज हो जाएगा। स्लोप ध्यान रखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, इसे बिल्कुल याद रखिए। जब दो लाइन पैरेलल हो, मतलब अगर एक लाइन का स्लोप m1 है दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, और अगर कोई कहे कि दोनों लाइनें पैरेलल है तो उनके स्लोप के बीच में रिलेशन इक्वल टू का होता है, मतलब दो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है सिमिलर होता है। ऐसी अगर कोई दो लाइनें हैं एक एक के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2 इज दिस, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1। स्टूडेंट रिलेशन अभी ये होता है और अदरवाइज रिलेशन ये होता है जब पैरेलल होती है। ये बिल्कुल आप की नोट बिल्कुल इसे ढंग से याद कर लेंगे कि m1 is equals to m2 कब, जब लाइंस आर पैरेलल, और ये m1 m2 is equals to minus 1 when two lines are perpendicular to each other। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, अभी कौन सा लग रहा है इन दोनों में से, यस अभी ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है और एक लाइन का हमें स्लोप पता है। ऐसा करता हूँ इस लाइन के स्लोप को मैं m ऑफ t कह देता हूँ टेंजेंट का, और इस लाइन के स्लोप को मैं m ऑफ n कह देता हूँ नॉर्मल का स्लोप। सो स्टूडेंट रिलेशन क्या बोलता है कि m ऑफ t m ऑफ n इज इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए, क्यों इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों लाइनें क्या है परपेंडिकुलर। सो m ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 अपॉन m ऑफ t, ये समझिए m ऑफ t तो हमने निकाला था, तो m ऑफ n भी क्या हो गया माइनस 1 अपॉन 10। स्टूडेंट समझ गए क्योंकि m ऑफ t की वैल्यू कितनी निकली थी माइनस 10, सो ये अच्छा ये माइनस 10 निकली थी माइनस का, तो ये माइनस ऐसे था, तो स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आप समझ गए इजीली। तो 1 बाई 10 क्या आया इसकी वैल्यू, इसकी नॉर्मल के स्लोप की वैल्यू प्लस 1 बाई 10, इजीली समझिए स्टूडेंट, ये आप समझ गए। छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको रिवाइज भी करवा दिया, इसीलिए थोड़ा आपको बड़ा सा नजर आऊंगा, वरना कुछ नहीं है। हमें पता है कि दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो इनके स्लोप के बीच में रिलेशन जो मैंने लिखा था वही होता है। सो स्टूडेंट अब हमें इक्वेशन ऑफ ये बताना है, तो मैं क्या करूंगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। ध्यान रखिए आपको कहीं ऐसा मिसकॉन्सेप्शन में बैठ जाए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए डिफरेंट फॉर्मूला होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर चलिए, लाइन की इक्वेशन है वो और ये सिमिलर है, हाँ बस फर्क इतना हो सकता है कि यहाँ पर टेंजेंट बोलेंगे एम ऑफ, यहाँ बोलेंगे एम ऑफ नॉर्मल, लेकिन एक्स वन वाई वन सिमिलर है क्योंकि दोनों ही इसी पॉइंट से ऊपर पास कर रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल। सो स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ वाई माइनस वाई वन इज फाइव, फाइव से होकर पास कर रहा है इसका वाई कोऑर्डिनेट, एम कितना निकला था 10 x minus x1 is equal to 0. So, अगर यहां देखो तो 10y minus 510 50 is equal to x, ऐसा कुछ हमारा निकल रहा है, और ये हमारा कितना हो जाएगा x is equal to 10y minus 50, ये स्टूडेंट ये आपका आंसर आता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इसे फाइंड किया, तो ये हमारा सोल्यूशन था इसका, आपने देख लिया स्टूडेंट किस तरह से हमने फाइंड किया। सो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये आप समझ गए ये क्या आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। एक बार मैं इसे थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेता हूँ, एक बार मैंने किया गया था यहाँ पर मैंने इसका dy by dx निकाला, ये 5 0 हो गया था, ये हमारा कैसे आया था ये 5 आया था स्टूडेंट, एक बार मैं क्विकली देख रहा हूँ मेरा क्या मेरा आंसर सही है, 18x square plus 26x minus 10, 5 0 हो गया था माइनस, हाँ सही स्टूडेंट देख रहे हैं ये आंसर सही था क्योंकि हमने यहाँ पर कहाँ पर चेक किया था 0 पर, तो ये जो आपका आया ये ट्रू है आंसर।
तो स्टूडेंट ये देख लीजिए इस तरह से हमने इसे करना है। तो आपने देख लिया कि 14 क्वेश्चन में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। अभी मैं इसे रब करता हूँ फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मैं इसे रब कर रहा हूँ, देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी की तरह सिमिलर है बिल्कुल, इसलिए मैं इसे नहीं कराऊंगा, सेकेंड पार्ट भी नहीं कराऊंगा, थर्ड फोर्थ भी मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इजी है, इतने में हम दूसरे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे और इसी की तरह है क्योंकि पैटर्न सेम है इसीलिए ये सही रहेगा कि हम डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन करें। स्टूडेंट इसका 14 का फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, प्रॉब्लम कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, ऐसा क्वेश्चन भी बने बता रहे एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर इसके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने हैं एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर। स्टूडेंट देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार वाली की क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट अगर मैं इस पर बात करूं तो आप देखेंगे कि हम करते क्या है, अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका स्लोप और वो बताना है, जैसे अगर मैं बोलूं कर्व ये है, कर्व इस कर्व का मुझे एक पॉइंट दे रखा है टी इज इक्वल टू पाई बाय 4, टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 कहीं पर है, यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा नॉर्मल क्या होगा ये मुझे बताना है इक्वेशन में। टेंजेंट ऐसा ही होगा जैसे मैंने बना रखा है, कोई भी कर्व है ये रफ स्केच है मैंने बना रखा है सिर्फ आइडिया थी। स्टूडेंट अब देखेंगे हम करते क्या, अगर मुझे ये कर्व की इक्वेशन गिवन होती, इस बार इक्वेशन गिवन नहीं इसीलिए आपको करा रहा हूँ, जो बाकी इससे पहले के चार क्वेश्चन है उनमें क्या है इक्वेशन गिवन है, इस बार कोई इक्वेशन नहीं गिवन है, y इज इक्वल टू कुछ ऐसा गिवन नहीं। सो स्टूडेंट आप dy बाई dx निकालते थे ना स्लोप ऑफ दी कर्व, अब dy बाई dx निकल सकता है, हमने फिफ्थ लेसन में जब डेरिवेशन डिफरेंशिएशन जब देख रहे थे तो पैरामेट्रिक फॉर्म देखी थी, पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसी होती है ना कि y t की फॉर्म में x भी t की फॉर्म में, तो अगर कोई बोले dy बाई dx क्या होगा, स्टूडेंट हम इजीली कह सकते हैं कि dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, यही तो होगा आपका dy by dx, मतलब कि आप dy by dt कर लीजिए पहले उसके बाद dx by dt करके डिवाइड कर लीजिए dy by dx निकल जाएगा और dy by dx आपका क्या होगा, दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व ये हम देखते हुए आ रहे हैं स्कूल से स्लोप ऑफ द कर्व है। सो फ्रेंड ये dy by dx आपका स्लोप ऑफ द कर्व, तो हम समझ गए हमें dy by dt पहले फाइंड करना पड़ेगा, समझ रहे ना, तो dy dt अगर मैं पहले फाइंड कर दूं तो कितना आएगा, देखिए y इज इक्वल टू मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगा तो साइन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है दोनों एक ही के फंक्शन है तो इजीली देखेंगे साइन t का कितना हो जाएगा cos t। ऐसे स्टूडेंट अगर आप देखते हैं dx by dt का, देखिए cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन t, ये आपने समझ लिया दोनों बातें, dy by dx कैसे होगा dx, ये आपने टर्म्स देख लिया, इनको जस्ट मैंने वैल्यूज को यहाँ पुट करना है, इसमें ना मैंने इसकी बात की आपको यहाँ वैल्यूज रखूंगा तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग करिए, dy by dx अगर मैं निकालूंगा तो dy by dt की वैल्यू कितनी है cos t, स्टूडेंट dx by dt की वैल्यू देखिए माइनस sin t, सो आप देखिए cos अपॉन sin क्या होता है cot, सो दिस इज इक्वल टू cot t, ये कितना हो गया आपका cot t, आप आराम से समझ सकते हैं नेगेटिव साइन था तो माइनस का cot t आपका आंसर है। सो दिस इज dy by dx, dy by dx निकला मतलब किसी भी कर्व के लिए dy by dx ना निकली t पर डिपेंडेंट है, क्या है ये t पर डिपेंडेंट मतलब वेरिएबल है स्लोप, इसका मतलब जरूर कर्व की ही बात हो रही होगी, ध्यान रखिए स्टूडेंट जो स्लोप निकला ये वेरिएबल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही ऐसी होती है जिसका स्लोप चेंज नहीं होता, बाकी कर्व का हमारे क्या चेंज होता रहता है स्लोप, तो क्योंकि ये चेंजेबल है तो हम समझ गए ये t पर डिपेंडेंट है। मैं अगर बात करूँ कि मुझे t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर चेक करना है क्योंकि यहीं पर मुझे टेंजेंट निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहां भी मैं t कितना पुट कर दूंगा पाई बाय 4, देखिए माइनस cot पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4 इज 45 डिग्री सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 क्योंकि cot पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 आगे से माइनस। सो स्टूडेंट हमने क्या देखा स्लोप ऑफ द कर्व एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1, ये आप समझ गए इसका मतलब स्लोप ऑफ द कर्व एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, इस कर्व का अगर स्लोप निकालेंगे किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो क्या करेंगे उस पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे तो स्लोप जो होगा कर्व का नहीं होगा उस टेंजेंट का होगा जो उस पॉइंट पर खींचा गया स्लोप, तो इसका मतलब जो स्लोप निकला ये इसका निकला एम ऑफ टी के एकदम माइनस 1, समझ गए स्टूडेंट्स। अब जस्ट हमें क्या करना है क्योंकि हमने बताया था किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर हमें फाइंड करनी होती है तो हमें या तो एक पॉइंट चाहिए डेफिनेटली और दूसरा चाहिए एक स्लोप, स्टूडेंट स्लोप निकल गया एक कमी है किसकी सिर्फ पॉइंट की, ये पॉइंट अगर फाइंड हो जाता है तो ये लाइन यूनिक बन जाएगी और उसकी इक्वेशन हम निकाल लेंगे अभी जो फॉर्मूला डिस्कस किया था। अब क्या ये पॉइंट आपको गिवन है, यस स्टूडेंट गिवन है, ये आपको पहले से ही गिवन था क्वेश्चन स्टार्ट होते ही गिवन था क्योंकि एक्स डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा टी पर डिपेंडेंट है
अब क्योंकि टी बोल रखा है इस पॉइंट पर चेक करो, तो टी को आप यहाँ रख के देखिए ना, एक्स और वाई निकल आएंगे। सो कॉस ऑफ पाई बाई फोर एक्स आ गया, साइन ऑफ पाई बाई फोर वाई आ गया। आप जानते हैं कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू भी 1/√2 और साइन पाई बाई फोर की वैल्यू भी 1/√2, क्योंकि पाई बाई फोर कितना होता है 45 डिग्री। सो स्टूडेंट ये भी आपका 1/√2 आ गया, ये भी आपका 1/√2, एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल टू 1/√2। तो आपने देख लिया 1/√2 आ गया, मतलब अब इक्वेशन इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है। तो मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ऑफ टेंजेंट एक्स माइनस एक्स वन। समझ गए ना, जस्ट मुझे वैल्यूज पुट करनी है, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है 1/√2 एम टी, एम ऑफ टी की वैल्यू देखिए स्टूडेंट माइनस वन, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू भी कितनी है 1/√2। देख रहे हैं आप इजीली, बहुत इसी तरीके से हो रहा है। इसे मैं रब कर लेता हूँ, शाइन कर सकता है उधर से, इसे मैं हटा देता हूँ। आपने देख लिया था ना, या आपने देख लिया स्टूडेंट कैसे कैसे हुआ था, देखिए जरा यहां से अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ। सो वाई माइनस ये हमारा आंसर आया है, देखिए माइनस वन इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस एक्स। अब हम जानते हैं कि लाइन की इक्वेशन में एक्स पहले आता है, तो ऐसा करता हूँ ये माइनस एक्स को इधर ले आता हूँ राइट हैंड साइड, तो प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर वाई बचा हुआ है प्लस का, तो प्लस का वाई लिख देता हूँ ऐसी एज़ इट इज। देखिए स्टूडेंट आराम से, माइनस वन बाय रूट टू, इधर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस वन बाय रूट टू, ये प्लस वन बाय रूट टू, ये माइनस वन बाय रूट टू। ऐसा करता हूँ इस माइनस वन बाय रूट टू को भी उधर ही लिख देता हूँ, तो माइनस वन बाय रूट टू क्या हो जाएगा प्लस का वहां जाके, और ऑलरेडी एक प्लस का था, तो 1/√2 एंड 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2। इजीली कैलकुलेट आप कर सकते हैं वैसे, अब आप चाहें तो इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, या तो आप इसका आंसर ऐसे बोल सकते हैं रूट टू एक्स प्लस रूट टू वाई इज इक्वल टू 2, आप इसका आंसर ऐसे बोल सकते हैं। वैसे इससे भी बेहतर ही रहेगा, आपको ऐसे मिल सकता है आंसर, क्योंकि ऐसा और सॉल्व हो सकता है, या तो इसे रैशनलाइज कर दें, रूट टू से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसा करने से क्या होगा, रैशनलाइज हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाता है 2। सो स्टूडेंट हम क्या देखेंगे, एक्स प्लस वाई हमारा कितना हो गया रूट टू के इक्वल, एक्स प्लस वाई हमारा कितना हो गया स्टूडेंट रूट टू के इक्वल। आप या आंसर ये बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन का यहाँ पर चक्कर है। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखा, सो स्टूडेंट हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट टू जो आया, या क्या आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। बड़े आराम से समझते रहिए, और अगर मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ, अगर आप एक क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से समझ गए तो जरूरी नहीं है आपको सारे क्वेश्चन करना, बस डिफरेंट पैटर्न आएंगे, वो आपकी एक्सरसाइज होगी बस, फिर भी मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन। और ये देख लीजिए इस तरह से हमने एक क्वेश्चन, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, मार्क जरूर कर लीजिएगा इसे, बस डिफरेंट क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, नया पैटर्न, अच्छा सा पैटर्न मिला। इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। स्टूडेंट अगर मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फॉर नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल निकालना चाहूँ, देखिए जरा नॉर्मल कैसे निकलेगा, अगर मुझे स्टूडेंट नॉर्मल निकालना है, ये कोऑर्डिनेट ध्यान रखिए 1/√2, 1/√2 है, वो चेंज नहीं होंगे क्योंकि अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, 1/√2, 1/√2। और स्टूडेंट मुझे क्या निकालना है, मुझे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल चाहिए। अब मुझे नॉर्मल की अगर इक्वेशन चाहिए तो नॉर्मल है कौन सा, ये जो परपेंडिकुलर है किस पर, टेंजेंट पर, तो ये आपका क्या हो गया नॉर्मल। अब मुझे नॉर्मल का देखिए, नॉर्मल का पॉइंट तो मुझे गिवन है, क्योंकि ये वाला पॉइंट टेंजेंट से भी पास करता है नॉर्मल से भी, जैसा कि हमने देखा। सो स्टूडेंट इसका मुझे जस्ट चाहिए नॉर्मल का स्लोप चाहिए, जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, तो क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो अभी मैंने जस्ट आपको कंडीशन बताई थी कि नॉर्मल और टेंजेंट जब परपेंडिकुलर है तो किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, या एम ऑफ एन एम ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस वन, इस कंडीशन को। अब एम ऑफ एन अगर मुझे निकालना है तो मैं बोलूंगा माइनस वन अपॉन एम ऑफ टी जो हमारा नोन है माइनस वन, दैट इज इक्वल टू प्लस वन। स्टूडेंट समझ रहे हैं ना, जब एक स्लोप बताओ किसी का तो दूसरे का स्लोप इजीली यहां से निकाला जा सकता है, इसका मतलब इसका स्लोप कितना निकल गया प्लस वन, आपने देख लिया स्लोप कितना निकल गया प्लस वन। जस्ट स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास करता है और इसका स्लोप ये है, मतलब ये डिफाइन है, समझ गए ना, ये लाइन भी क्या है डिफाइन है। तो मैं इसकी इक्वेशन निकालता हूं, मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्टूडेंट जैसे कि मैंने बोला था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और कुछ नहीं, एक लाइन की इक्वेशन है जो होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। जस्ट यहाँ पर एम चेंज हुआ क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप अलग अलग है, लेकिन पॉइंट सेम है, इसलिए बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। जस्ट मैं वैल्यूज पुट करूंगा वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना है स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 1/√2, सो दिस इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू एम एन आपका कितना है 1 आया, देखा आपने आराम से, एक्स माइनस एक्स वन भी आपका 1/√2, इसका आंसर आ गया।
लेकिन जिसे हम फॉर्मेशन में ले आते हैं ओरिएंटेशन बदल देते हैं इसका। देखिए सबसे आगे x रहना चाहिए, x रहेगा, y वहां जाके माइनस वाई हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट माइनस वन बाई रूट टू और यहाँ भी माइनस वन बाई रूट टू, बोथ साइड इक्वल हमारी क्वांटिटीज है तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो जीरो बच जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई कितना आ गया आपका जीरो आ गया। इसे मैं स्टूडेंट ऐसा भी बोल सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारे इस बार क्या आ गया इक्वेशन फॉर नॉर्मल। स्टूडेंट समझ गए आप, ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपकी नॉर्मल की क्वेश्चन क्या आ गई एक्स इज इक्वल टू वाई। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको इसमें कुछ थोड़ा सा सप्लीमेंट दे रहा हूँ, जिन स्टूडेंट को ये समझ में आ गया बस क्वेश्चन खत्म हो गया, बस मैं एक हल्का सा कुछ बता दे रहा हूँ इसमें आपको, अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारी क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स, जो स्टूडेंट जानते हो इलेवंथ क्लास में जो मेरा स्ट्रेट लाइन लेसन से मैंने डाल रखा है लेक्चर, वो अगर आपने पढ़ा हो या आपको आता हो अगर, तो आप जानते हैं कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की क्वेश्चन होती है। अगर मैं बात करूं वाई इज इक्वल टू एक्स की, तो ये भी तो इसी को फॉलो कर लिए, देखिएगा इसका सी जीरो है एम वन है, एम वन मतलब 45 डिग्री टेन थीटा है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मतलब लाइन पॉजिटिव एक्यूट एंगल बना रही है, तो एक्यूट एंगल बना रही है और साथ में जीरो से उधर पास करें क्योंकि इसका वाई इंटरसेप्ट जीरो, तो लाइन ऐसी है, मतलब स्टूडेंट जो नॉर्मल दिखाई दे रहा है ना आपको वो ऐसी सकल है, वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये इसका एक्चुअल लिमिट। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये नहीं आता है समझ में, आप रफ स्केच बना के बिल्कुल आराम से कर सकते हैं जैसा हमने किया, इसलिए मैंने बोला था सिर्फ सप्लीमेंट है, मुझे समझ में आया अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू एक्स तक ही आप कीजिए, वो परफेक्ट आंसर है, या आपकी क्या निकल गई क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल। स्टूडेंट देख लिया आपने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा 14th क्वेश्चन था, इसका फिफ्थ पार्ट था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। देखिए 15th क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। स्टूडेंट हमें दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दे रखा है, जैसे अगर मैं बोलूं ये हमारा कर्व, इस कर्व पर एक टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। अब आपको पता है कि इस पर तो न जाने कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो ये टेंजेंट यूनिक कैसे होगा, यूनिक ऐसे होगा कंडीशन है कि विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बोला है कि ये टेंजेंट के बारे में क्या कंडीशन है, खास बात कि ये एक लाइन जो है, जो लाइन का नाम है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसके पैरेलल है, इतनी कंडीशन देखिए, इसने इस टेंजेंट को क्या करता है यूनिक बना दिया। स्टूडेंट अगर दिखाई ना भी दे रहा हो तो ध्यान रखिए पैरेलल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ऐसा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 की ये लाइन पैरेलल है, बस इतना सा क्वेश्चन है और इसकी कर्व की इक्वेशन ये है। स्टूडेंट आप समझ गए क्या करना होगा यहाँ पर, हमें ये इंफॉर्मेशन डी क्यू में पहले हमें ये सोचना पड़ेगा और दूसरी बात हमें निकालना इस लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विच इज टेंजेंट फॉर दिस कर्व, इसके हमें क्या निकालनी है इक्वेशन। अब स्टूडेंट इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो हमें नोन पॉइंट चाहिए कोई एक्स वन वाई वन, अभी हमें नोन नहीं है लेकिन मैंने सपोज कर लिया ये इस पॉइंट से पास कर, एक तो ये चाहिए। दूसरी बात जो हमें चाहिए उसमें वो चाहिए इसका स्लोप, स्टूडेंट क्या चाहिए स्लोप। स्टूडेंट अगर ये पॉइंट गिवन होता ना तो हम कर्व की मदद से आसानी से डेरिवेटिव करके इसका क्या निकाल लेते स्लोप, लेकिन पॉइंट भी गिवन नहीं है स्लोप भी गिवन, ये कंडीशन अच्छी सी बड़ी गिवन है, वो कंडीशन है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। स्टूडेंट ये लाइन के पैरेलल बोलने का मतलब समझ रहे क्यों बोला होगा, इसीलिए बोला गया होगा क्योंकि दो लाइन जब आपस में पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है इक्वल, अभी जैसे मैंने आपको बताया जब दो लाइन इक्वल होती है पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, तो इसका स्लोप अगर मैं निकालना चाहूँ, स्टूडेंट मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में जब ये एक्सरसाइज शुरू की थी मैंने आपको स्लोप निकालना सिखाया था तीन तरीके से, तो आपको क्विकली बताता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू अगर जीरो टाइप की कोई इक्वेशन है तो उसका अगर स्लोप निकालना है तो वो क्या होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई विद नेगेटिव साइन, ये स्लोप निकलेगा। तो स्टूडेंट इसीलिए कंपेरिजन अगर मैं इसका करूँ, देखिए 2x प्लस माइनस वन ऑफ y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसी टाइप की तो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। अगर मैं इसका m निकालू तो स्टूडेंट देखिए क्या होगा कोफिशियंट ऑफ x दैट इज 2, कोफिशियंट ऑफ y दैट इज माइनस 1 एंड विद नेगेटिव साइन इसके अकॉर्डिंग ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m कितना आ गया 2, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है स्टूडेंट वो क्या पता चलता है कि 2 है, बड़े इजी तरीके से हमें पता चलेगा। स्लोप निकालने के तीन ही तरीके मैंने बता रखा है आप वहां से देख लीजिए, वरना आपको लगेगा कि ये स्लोप अभी ऐसे कैसे निकल गया, कभी 10 थीटा से निकलता है, तो मैंने आपको बता रखा है आराम से समझ जाएंगे। स्टूडेंट आपने देख लिया कैलकुलेशन समझ गए, इसका स्लोप हमने निकाल लिया 2, अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसका स्लोप भी कितना होगा स्टूडेंट 2, समझ गए आप इतनी बात।
अब हम बोलेंगे कि अब हमें स्लोप पता चाहिए, अब ये पॉइंट पता करना रह गया ताकि हम इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट निकाल पाए। स्टूडेंट एक बात जरा समझते हैं कि अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इस्तेमाल करता, क्योंकि अभी तक तो मैंने किया नहीं कुछ ऐसा, अभी तो मैंने सिर्फ जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसे डिडक्ट किया। अगर मैं ऐसा कर दूं कि हमारा जो लेसन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसका कुछ एप्लीकेशन लगा, जैसे क्या, जैसा कि मैं लगाता हूँ हमेशा भी लगा रहा हूँ इस लेसन में शुरू से, स्लोप ऑफ द कर्व अगर मैं निकाल दूँ, देखिए साथ साथ देखते रहिए, स्लोप ऑफ द कर्व ये कितना होगा dy by dx, सो स्लोप ऑफ द कर्व स्टूडेंट कितना होगा dy by dx। अगर मैं dy by dx निकालता हूँ, देखिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ उसका, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का माइनस 2 एंड 7 का 0, ये हमारा इतना आ गया। स्टूडेंट देख रहे हैं आप स्लोप ऑफ द कर्व हमारा फिर वेरी कर रहा है, क्योंकि कर्व में मैंने बताया वेरी करेगा ही, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट डिफरेंट हो गए, इसलिए ये x पर डिपेंडेंट है और वेरी कर रहा है। लेकिन हमें स्लोप ऑफ द कर्व को फिर पर्टिकुलर करना है, मतलब स्लोप ऑफ द कर्व निकालना है एट दिस पॉइंट, है ना, स्लोप ऑफ द कर्व मतलब इस कर्व का स्लोप निकालना है इस पॉइंट पर, और कर्व का स्लोप नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप। तो ये कौन सा पॉइंट है, एक्स वन कॉमन वाई वन, इस पॉइंट पर अगर निकालना है तो हमारा ये जो x था ये क्या हो जाएगा, x1, x1 पॉइंट पर ये x1 हो जाएगा, y1 पे डिपेंड नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर होता तो y1 कर देते y होता। स्टूडेंट ये आ गया, हमने बोला कि स्लोप तो ये आ गया, इस पॉइंट पर स्लोप क्या आया, टेंजेंट का स्लोप ये आया, लेकिन क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, इसका मतलब दोनों ही ट्रू है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन गिवन है और एक हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे पास, तो दोनों ही क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। तो स्टूडेंट मुझे कहना चाहिए कि 2x1 minus 2 should be equals to 2, वो वाला, so 2x1 is equal to 2, 2 कितना हो गया 4 कैलकुलेशन से, x1 is equal to कितना हो गया, ये आपने देखिए x1 कितना आ गया स्टूडेंट्स 2 आ गया, अब x1 2 आ गया मतलब ये वैल्यू हमें पता चल गई कितनी आ गई 2। अब रही बात y1 की पता करने की, तो स्टूडेंट कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये आपका कर्व गिवन है, इसमें आपको कोई एक छोटी सी बात बताई, तो हम देखिए जड़े पेपर, हमारे पास अगर एक कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बोलता हूँ x square is equal to y against की इक्वेशन, मीनिंग क्या हुआ इस इक्वेशन का, इक्वेशन का मीनिंग ये हुआ कि अगर आपको x की वैल्यू पता है तो y निकल जाएगा, कैसे, x यहाँ रखेंगे तो x अगर 1 रखेंगे या 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, सो y कितना आ गया 1, मतलब इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है 1। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ 2 रखता हूँ, अब मैं 2 रखूंगा तो x 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, इसका मतलब बताता है कि y कितना है आपका 4, समझ रहे हैं, यही मतलब होता है बस कर्व कि करस्पॉन्डिंग x के लिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकलेगी, करस्पॉन्डिंग x के लिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकलेगी। इसी का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं देखूं कि इस करस्पॉन्डिंग x के लिए अगर मुझे y चाहिए तो मुझे यहाँ x1 कर देना चाहिए ना, कि कर्व की इक्वेशन में, तो उस कर्व में मुझे इस x1 के करस्पॉन्डिंग y1 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट अगर मैं देखा दूं आपको उसको यहाँ रख के, तो y1 अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x1 square इज 2 square, that is 4 minus 2x, that is 2 into 2, क्योंकि x1 2 है, और plus 7, देखेंगे ये आर ये तो कैंसिल हो गया ना, 4, 4, बचा क्या, 7, मतलब ये आपका 7 आ गया, y1 कितना आ गया स्टूडेंट 7, x1 कितना आ गया 2, मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट्स आपको क्या हो गए, नोन हो गए। अब देखिए हमने पूरा काम कर दिया, पॉइंट्स भी निकाल दिए, स्लोप भी निकाल दिए, अब छोटा सा बहुत छोटा काम है इक्वेशन निकालना, समझ गए आप स्टूडेंट, मैं सब रब कर रहा हूँ ये सब कुछ काम की चीजें रख देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने लिख दिया इसकी जगह की 2.7 में पता चल गया। बस स्टूडेंट हमें पता चल गया वो पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है, पता चल गया वो स्लोप जो इस लाइन का है, तो बस यही नेसेसरी थिंग्स थी हमारे पास लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए। तो मैं इजीली बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वॉट, या वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, चलिए इसे मैं एम ऑफ पी कहता हूँ टेंजेंट, तो y माइनस वाई वन को मैं कितना कहूंगा, y1 वन इज 7, एम ऑफ टी दैट इज 2, x माइनस एक्स वन इज 2। सो स्टूडेंट अगर मैं लिखूं y, अब मैं थोड़ा सा यहीं से कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म चाहिए, सबसे आगे x फिर y देन cos, तो यहाँ लिखेंगे x कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ x, y को उधर शिफ्ट करता हूँ तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस 7 को उधर भेजता हूँ प्लस 7, और यहाँ 2 टू जा माइनस 4 बचा है, 2 टू माइनस 2, यहाँ माइनस 4 बचा है, ये वहां जाके प्लस 7, तो प्लस 7 और माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 3। स्टूडेंट देख लिया आपने इजी वे से कि ये आपका आंसर आया, बस एक स्टूडेंट आप समझ गए ये आपका क्या निकल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझ गए आप इस बात को कि टेंजेंट क्या निकल गई, इक्वेशन निकल गई।
अब स्टूडेंट कोई बोले कि हमें नॉर्मल की क्वेश्चन चाहिए, तो नॉर्मल की क्वेश्चन के लिए क्या चेंज होगा? देखिए पॉइंट तो चेंज बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पॉइंट तो वही है, नॉर्मल में बस चेंजेस क्या आएंगे कि नॉर्मल इस टेंजेंट की क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब पॉइंट तो वही है पास करने वाला ना, तो पॉइंट चेंज नहीं करेगा, बस हमें इसका स्लोप चाहिए। मैं जरा क्विक वे में कर लेता हूं इसे ताकि आगे बढ़ लें, आप समझ जाएंगे कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो एम टी इंटू एम एन इज इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए। जब ये इज इक्वल टू माइनस वन होगा तो एम एन कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एम टी दैट इज टू, मतलब माइनस वन अपॉन टू। आप इसी तरीके से कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा जरा मैं चाह रहा हूँ कि हमारा टाइम बच जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया, आप समझ गए होंगे, आराम से समझ गए होंगे कि दोनों लाइनें क्या है परपेंडिकुलर। सो इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, माइनस वन के इक्वल। देखिए माइनस वन हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट टू इंटू माइनस वन बाई टू, समझ गए। तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए तो मुझे यहाँ पर टेंजेंट ये स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, पॉइंट कितना है 2.7, मतलब 2.7 से पास होने वाली और स्लोप कितना रखने वाली, माइनस वन बाई टू रखने वाली। लाइन की इक्वेशन बताएंगे तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखूंगा दोबारा से। ये क्या निकालू अभी मैं, इक्वेशन फॉर नॉर्मल, अभी मैं नॉर्मल फाइंड कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो अगर मैं देखूँ वाई माइनस वाई बाई सेवन इज इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स माइनस एक्स वन, ये आपने देख लिया। अब इसे जस्ट सॉल्व करना है, टू वाई हो जाएगा, टू सेवन जब माइनस फोर्टीन हो जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू माइनस एक्स बचेगा और माइनस माइनस प्लस टू। स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स को इधर ले आइए, प्लस एक्स हो जाएगा, टू वाई इधर ही रहने दीजिए, प्लस टू वाई हो जाएगा, माइनस फोर्टीन और टू इधर आएगा तो माइनस का सिक्सटीन, और उधर आके इज इक्वल टू सिक्सटीन हो सकते हैं। एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन है स्टूडेंट, समझ गए ना। एक बार रिचेक कर लेता हूँ, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये सही है। टू वाई माइनस फोर्टीन माइनस एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू, समझ में आ गया स्टूडेंट। ये आपकी क्या निकली, इक्वेशन फॉर नॉर्मल, ये निकली इक्वेशन फॉर टेंजेंट। आपने देख लिया कैसे निकला, ये इजी है स्टूडेंट, समझ गया कैसे रख करता हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये आप समझ चुके हैं, देख रहे हैं स्टूडेंट, बस इसी में रख कर देता हूँ। हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये 15th क्वेश्चन था। सो हमें स्टूडेंट अभी जो सेकेंड बात बोली गई है इसमें 15th क्वेश्चन के पार्ट बी में दिखा देता हूँ, इसमें स्टार मारा हुआ है मैंने, तो वो कुछ बात होगी क्या पता, देखते हैं। इस कर की क्वेश्चन वही कर जो चल रहा था, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन कर दिया हमारा। इस बार कंडीशन यह है कि स्टूडेंट टेंजेंट की क्वेश्चन तो निकालनी है, अब फिर कोई बात पता नहीं है कि पॉइंट कहाँ है, कितना स्लोप है, कुछ नहीं पता, लेकिन कंडीशन पता है। कंडीशन क्या है इस बार कि दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन फाइव वाई माइनस फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू थर्टीन, मतलब एक लाइन के परपेंडिकुलर है और उस लाइन की क्वेश्चन दे देखिए कितनी, फाइव वाई ये प्लस ही ऐसा माइनस में समझिएगा, माइनस फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू थर्टीन। ये स्टूडेंट हमें इस लाइन की क्वेश्चन दे रही है। आप इसे दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हैं कि हमें नॉर्मल की क्वेश्चन दे रही है, क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मली तो होता है। और स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि आपको इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए फिर इस बार इन्फॉर्मेशन को पहले डिडक्ट करते हैं, है ना, मैथमेटिकली कैसे इंडक्ट होगा कि ये इक्वेशन से क्या हमें मीनिंग मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसे जरा देखते हैं। स्टूडेंट देखिए जरा, हमें जो इक्वेशन मिली है मैं उसे इस ऐसे लिख रहा हूँ, और आपको भी ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। सबसे आगे x, then y, then constant. x, y, constant. ये आपको जानबूझ के इक्वेशन ऐसे बदल के देनी है ताकि आप स्लोप निकालें और गड़बड़ कर दें कि माइनस फाइव अपॉन फिफ्टीन, यहाँ से मिस्टेक कर सकते हैं कोई स्टूडेंट, वैसे होगा नहीं, आराम से। अभी मैंने आपको बताया कि ax plus by plus c is equal to zero की लाइन की इक्वेशन का स्लोप क्या होगा, या माइनस ए अपॉन बी, कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ y, कोफिशियंट ऑफ x कितना है माइनस फिफ्टीन, देखिए फॉर्मूले का माइनस इधर आएगा, x का कोफिशियंट कितना है माइनस फिफ्टीन, y का कोफिशियंट देखिए फाइव, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो फाइव सी जा फिफ्टीन। इसका स्लोप कितना निकला, थ्री, मतलब इस लाइन का स्लोप कितना निकला आपका, अगर मैं नॉर्मली बोल दी से तो थ्री निकला, समझ गए आप। मुझे टेंजेंट की क्वेश्चन फाइंड करनी है, हाँ इस टेंजेंट की क्वेश्चन फाइंड करनी है। स्टूडेंट स्लोप निकल गया, अब जब इसका स्लोप निकल गया तो इसका भी निकल जाएगा ना आराम से। अभी तक हम क्या कर रहे थे, टेंजेंट का पता था नॉर्मल निकाल लेते, अब नॉर्मल पता चल गया टेंजेंट निकाल सकते हैं ना इजीली, और हमें दिया ही ये लाइन इसलिए ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन से हम इसको कुछ कर सकें, इससे पहले पैरेलल की कंडीशन थी अभी परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट ये एम एन और एम टी के बीच में रिलेशन आप जानते हैं,
क्या होगा, एम एन एम टी इज इक्वल टू माइनस वन, स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस वन होगा प्रोडिक्ट करके, क्यों, क्योंकि दोनों लाइनें क्या है आपस में परपेंडिकुलर। सो एम ऑफ, अगर मुझे इस बार टी निकालना है तो मैं बोलूंगा माइनस वन अपॉन एम ऑफ एन, और एम ऑफ एन की वैल्यू देखिए क्या दे रही है, थ्री। सो स्टूडेंट इजीली आपने देखा ये माइनस वन बाई, बहुत इजी है, आप आराम से करिए, नहीं आ रहा समझे तो रिवाइंड करिए, देखिए वहां पर क्या हुआ और आराम से करिए। ये हमारा एम ऑफ टी भी आ गया, एम ऑफ टी निकल गया, अब हमें रिक्वायरमेंट है इस पॉइंट पर, समझ गए स्टूडेंट, जो काम की चीजें समझ गया उन्हें मैं रब कर लेता हूँ, अब आगे बात करता हूँ, क्योंकि हमने जो देखना था निकाल लिया। अब हमें ये पॉइंट चाहिए, अगर ये x1 y1 निकल गया तो हम कैपेबल होंगे इस लाइन की इक्वेशन बनाने में, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था किसी भी लाइन की इक्वेशन को, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, किसी भी लाइन की इक्वेशन बताने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए जहां से पास करती है लाइन, दूसरा चाहिए हमें स्लोप, जो उस लाइन का स्लोप पता चल चुका है, सिर्फ पॉइंट निकालना है। और अभी तक फिर हमने कुछ नया नहीं किया, हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन से काम किया, इस इन्फॉर्मेशन का हमने इंडक्शन किया तो हमें माइनस वन बाई थ्री मिला, बस इतना ही किया, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया जो लेसन में था, लेसन चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब क्या, मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व अगर स्टूडेंट्स में निकालू, स्लोप ऑफ द कर्व कितना होगा, डीवाई बाई डी एक्स, देखिए अब डीवाई बाई डी एक्स मतलब क्या, ये फंक्शन दिया तो मैं डीवाई बाई डी एक्स निकालता हूँ, डायरेक्ट निकालता हूँ टू एक्स माइनस टू, लेकिन इस बार कहां पर चाहिए, एट एक्स वन कॉमा वाई वन, स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पहले भी मैंने x1 y1 लिया था, आप सोचेंगे उसका x1 y1 और इसका x1 y1 सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल, वो एक जनरल पॉइंट ले रहा हूँ कोई x1 y1 है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, x1 y1 पे चेक करो तो ये स्लोप भी x1 हो जाएगा इस तरह से ना, तो हमारा स्लोप क्या आया, टू एक्स वन माइनस टू, कौन सा वाला, इस x1 y1 पर स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस। यार अब ध्यान रखिए, मैं बार बार दोबारा से कह देता हूँ कि किसी कर्व का स्लोप नहीं करता, कर्व में एग्जिस्ट कर रहे पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है, तो ये वही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हमने इन्फॉर्मेशन जब डिडक्ट की थी तो ये निकला था, इसका मतलब वो और ये दोनों क्या है, इक्वल, मतलब 2x1 मतलब 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3, सॉल्व कर लेते हैं, 2x1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 प्लस 2, देखें ना 2x1 इज इक्वल टू 3 टू जा 6, 6 माइनस 1 5, 5 बाय 3, सो स्टूडेंट दिस इज इक्वल टू 5 बाय 6, x1 आपका क्या निकल गया 5 बाय 6, अब x1 निकल गया तो y1 भी कैलकुलेट किया जा सकता है, मैंने बताया था कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग x के लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग x के लिए जो वैल्यू यहाँ फंक्शन में निकलेगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग y होगी, मतलब x1 के लिए निकली वैल्यू y1, सो मैं यहाँ वैल्यू रख दूँ तो y1 इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, स्टूडेंट देखिए 5 बाय 6 है ना, तो 5 बाय 6 का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स 5 बाय 6 प्लस 7, इतना सा कागज, बस x की वैल्यू रखेंगे तो वही y की वैल्यू मिलेगी जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, तो अगर मैं देखूँ तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इतना हो गया माइनस, इसको मैं ऐसा करता हूँ 2 3 जा बोल देता हूँ, ये 5 बाय 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स और ये हो जाएगा प्लस का 7, ये समझ गए आप। अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, 25 बाय 36 इनको सॉल्व करूंगा, देखिए 7 3 जा 21, 21 माइनस 5 16 अपॉन 3, इतना समझ गए। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहां भी 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसा करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएगा आराम से, 25 माइनस इसे मल्टीप्लाई करते हैं 16 टू जा 32, 16 वन जा 16, 16 एंड 3 19 मतलब 19 एंड 36 नीचे ही बचेगा, स्टूडेंट जस्ट इसे सॉल्व करना है आंसर आ गया, 192 में से 25 माइनस कीजिए 167, तो कितना आया 167, लेकिन नेगेटिव क्योंकि ये था क्वेश्चन, माइनस 192 था ना, तो माइनस का 167 आ गया, माइनस का 167 होल अपॉन 36, स्टूडेंट ये हमारा आंसर है, आई होप कि कैलकुलेशन सही होगा, वरना आप देख लीजिएगा बाई चांस अगर गलत होता है, वैसे होगा नहीं क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं कि कैलकुलेशन में तुम्हारा रिपीट करो, होगा नहीं वैसे गलत, लेकिन ये हमारा क्या आया y1 आ गया, तो ये y1 आ गया, ये हमारा y1 आ गया, स्क्रीन देखिए आपने x1 भी आ गया y1 भी आ गया, जस्ट इक्वेशन निकालनी है, तो अब मैं आपको इसको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमें इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट क्या होने वाली, देखिएगा इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ t x माइनस x1, यही होगी जस्ट इक्वेशन, आपने देखा जैसे हम करते हुए आ रहे हैं,
देखिए, y1 आपको गिवन है, इसको आपने पुट करना है, x1 आपको गिवन है, इसे पुट करना है, और रही बात m ऑफ टेंजेंट, वो आपको गिवन है, ये पुट कर देना है, बस आंसर आ जाएगा ना आपका, आराम से आप कर लेंगे, y1 को रख देंगे, दिखा दिया, x1 को दिखा दिया, mt को दिखा दिया, आराम से आपका आंसर निकल के आएगा, बस यही करना था इसमें। तो इस तरह से आप स्टूडेंट कर लेंगे। अभी जो हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन बचते हैं वो होगा इसके बाद 16 क्वेश्चन से देखेंगे हम नेक्स्ट, उस पर देखेंगे अपने लेक्चर में। स्टूडेंट फिलहाल अभी हम इतना ही करते हैं, लेकिन आपका होमवर्क याद रखिएगा, मैंने बोला कि इसमें आपको पहले लाइन की क्वेश्चन निकालना है, जरूर इन्हें ट्राई करना है, बिना ट्राई करने नहीं होगा, अपने आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, पहले एक बार समझ लेना ध्यान से, उसके बाद खुद करना, और इसको जो इसमें नोट किया उसे एक बार अलग रख देना, क्योंकि वरना वही इमेज आपके सामने बनेगी, और कोशिश करना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप करो, जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में मैंने किया उसी सीक्वेंस में आप करो, और अगर ऐसा करते हैं आप तो सही ट्रैक पर चल रहे हैं, क्योंकि अगर जस्ट कॉपी होता रहता है, कॉपी पेस्ट, तो दिक्कत होगी स्टूडेंट, तो कोई बात नहीं, अभी सीखने के उससे करिए, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कीजिएगा, अभी टाइम है आपके पास। तो स्टूडेंट अभी हम चलते हैं अपने, बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये आप जरूर रिवाइज कीजिएगा, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।